हाय फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने जा रही हूँ पीरियड्स के टाइम पे आपको जो दर्द रहता है उसके बारे में, कि आपको ये दर्द आराम कैसे करे और रिलैक्स कैसे फील कराए खुद को। कि पीरियड्स के टाइम पे आप लोगों को जितनी भी दर्द का सामना करना पड़ता है तो उसको आप कैसे रिलैक्स कर सकते हैं। कहीं अगर आपको बाहर जाना है या घर में कोई फंक्शन होता है और पीरियड्स के टाइम पे आपको दर्द के कारण कोई काम नहीं कर पाते, ना कोई फंक्शन इंजॉय कर पाते कि हाँ मैं ये नहीं कर पाई या वो नहीं कर पाई, सोचते हो कि काश अभी होते नहीं या बाद में आ जाता, तो उसके लिए मैं आपको कुछ घरेलू उपाय बताऊंगी जिससे आपका पीरियड्स भी रहेगा, उसका दर्द भी आराम रहेगा और आप कोई भी पार्टी इंजॉय कर सकते हो आराम से। टिप नंबर फर्स्ट, आइस बैग। अगर आप कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हो पीरियड्स के दौरान तो अपने पास एक आइस बैग रखें जिससे आप अपने बैग में थोड़ी थोड़ी देर में एक टॉवल में अच्छे से बर्फ रख के और उसके बाद अपने पेट पे एक पट्टी की तरह बांध लें, जिससे कि आपके पीरियड्स के टाइम का जो दर्द होता है बहुत ही रिलैक्स मिलेगा और आपको ब्लडिंग भी बहुत कम आएगी। अगर आपको ज़्यादा से कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ब्लडिंग आती है, टाइम टू टाइम आपको चेंज करना पड़ता है पैड्स, तो उसके लिए आपको इससे बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। टिप नंबर टू, सिरका। अगर आपको बहुत अधिक ब्लडिंग हो रही है तो सिरका बहुत ही फायदेमंद रहेगा, जो कि आपके शरीर को बहुत अच्छे से सारी गंदगी बाहर करके और आपको दर्द नहीं होगा जिससे, क्योंकि सिरका हार्मोन्स को व्यवस्थित करने में आपका बहुत कारगर साथ देता है। सिरका बस आपको क्या करना है, एक गिलास पानी में 2 या 3 चम्मच सिरका डाल के उसको पी लेना है। इससे आपकी शरीर की सारी गंदगी खत्म हो जाएगी और आपको दर्द भी बहुत कम होगा। टिप नंबर थ्री, आयुर्वेदिक के अनुसार पीरियड्स के टाइम पे जो ब्लडिंग होती है वो बहुत मतलब सही है। एक तौर पे कहा जाता है ब्लडिंग कम होना भी खराब है और ज़्यादा होना भी खराब है। आयुर्वेदिक के अनुसार ज़्यादा ब्लड होना भी कोई खराबी नहीं है। अगर आपको ज़्यादा ब्लडिंग हो रही है तो डरो मत, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपके शरीर का गंद निकलता है। अगर आपको उसमें पीरियड्स के दौरान ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आप धनिया के बीज का बहुत अच्छे से फ़ायदा कर सकते हैं। धनिया के इस्तेमाल से आप अपने पीरियड्स के दर्द को कैसे कम कर सकते हैं, एक बाउल में धनिया के कुछ बीजों को भिगो लीजिए और उसके बाद उसे उबलते हुए पानी में डाल के उबलने दीजिए खूब अच्छे से। जब तक पानी आधा ना हो जाए तब तक उसको खूब अच्छे से उबालिए। उसके बाद इसमें कुछ मात्रा में शहद मिलाकर अगर आप पीते हैं तो उससे भी आपकी पीरियड्स का जो दर्द है बहुत ही आराम मिलेगा। इस प्रक्रिया को आप कम से कम दिन में 1 से 2 बार करें, इससे आपको बहुत ही राहत मिलेगा। टिप नंबर फोर, दालचीनी, जो कि आपके घर में मौजूद होगी, उसके फायदे से भी आप अपने पीरियड्स के दर्द को आराम पहुँचा सकते हैं। आपको क्या करना है, 1 गिलास पानी में दालचीनी के पाउडर को भिगा लीजिए और जब आधे घंटे बाद इसको शहद मिलाकर पीजिए। इससे भी आपके दर्द को बहुत ही जल्दी आराम मिलेगा, कहीं भी कोई भी पार्टी एंजॉय कर सकते हो।